हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग विद ईवीएस। आज हम ईवीएस करेंगे। ईवीएस में हम देखेंगे आवर नीड्स फॉर एयर। हमें एयर कहाँ कहाँ पे नीड है, जरूरत किधर होती है एयर की, आज हम उस बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज रिटन देयर, कैन यू टेल अ रिडल टू सॉल्व, देयर समथिंग देयर, इट इज टू बी फाउंड अप एंड डाउन एंड ऑल अराउंड, यू कांट टच इट, you can't see it, but sure as sure you can name it। वो क्या बोल रहे हैं सेंटेंस, आप बस नेम कर सकते हो। अगर आप आजू बाजू घूम रहे हो, ऊपर कूदी मार रहे हो, जंप कर रहे हो, घूम रहे हो, बट आप उसे टच नहीं कर सकते, ना ही उसे देख सकते हो, दैट इज द एयर। हम उसे नेम कर सकते हैं। यस, ब्लो अ बलून, व्हाट डिड यू फिल इन टू इट। जब आप बलून लेते हो, जब किसी का बर्थडे होता है या फिर आप रैंडमली किसी दुकान पे जाके आपको बलून से खेलना है, तो आप बलून ले लेते हो। ठीक है, तो आपको उसमें हवा भरनी रहती है, सो यू ब्लो द बलून फ्रॉम योर माउथ, आप मुंह से उसे हवा देते हो। यस, अगर वो ज्यादा बढ़ते बढ़ते जाएगा तो कभी कभार वो फूट जाता है, राइट। तो उसके अंदर जो आप ब्लो करते हो, जो हवा देते हो, व्हाट इज देयर, आप उसे देख पा रहे हो हवा को, नहीं आप नहीं देख सकते उस चीज को, राइट। ना ही उसका आप कलर बता सकते हो, कुछ भी बता नहीं सकते, ना ही उसका आप टेस्ट बता सकते हो, कैसा है, मीठा है, खट्टा है, कुछ बता सकते हो नहीं। कौन से कलर का है, रेड, ब्लू, ब्लैक, ऑरेंज, कौन सा भी है कलर का, नहीं बता सकते। ना ही हम उसे फील, हम ना ही उसे टच कर सकते, हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन एक चीज है, हम उसे फील कर सकते हैं, राइट। अभी उसमें हमने हवा भर रहे, तो जैसे आप बलून के ऊपर टच करके देखोगे कि हाँ उसमें हवा जा रही है, तो हम वो फील कर पा रहे कि उस बलून बड़ा 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 होते जा रहा है। कैसे बड़ा हो रहा है बलून, बिकॉज ऑफ द एयर दैट वी आर गिविंग द एयर थ्रू आवर माउथ। और समटाइम्स व्हाट हैपन दैट द बलून, द पर्टिकुलर बलून, जो बलून आप ब्लो कर रहे हो, वो फूट जाता है। जब वो फूटता है तो बहुत जोर से आवाज आती है। क्यों आवाज आती है, बिकॉज आपने उसमें ज्यादा एयर भर दिया, राइट। तो एक वो तरीका जिससे हम फील करते हैं, जब आपका फैन ऑन रहता है, राइट, फैन ऑन रहता है तो उसकी हवा आती है। तो जो भी हमारे, अभी देखो मैं आपसे बात कर रही हूँ थ्रू वीडियो, तो अभी भी हमारे आजू बाजू ये जो पूरा एनवायरनमेंट है, आपका बाहर एनवायरनमेंट है, आप जब ये वीडियो देख रहे हो तभी भी आपके आजू बाजू सब जगह पे एयर है। जब फैन चालू होते तो फैन चालू होते तभी हम एयर फील करते हैं, क्योंकि वो हमें ठंड लगती है, उसका एयर का फील आता है हमें, राइट। जो मैंने बोला वही लिखा है, दैट एयर इज ऑल अराउंड अस, एयर हमारे सब जगह पे है। दो वी कैन फील इट, वी कैन नॉट सी इट, हम उसे फील कर सकते हैं, हाँ, बट हम उसे देख नहीं सकते। एयर डज नॉट हैव कलर, स्मेल और टेस्ट। प्लीज रिमाइंड दिस सेंटेंस, एयर डज नॉट हैव, एयर के पास क्या क्या नहीं है, कलर, स्मेल और टेस्ट। एयर डज नॉट हैव कलर, स्मेल और टेस्ट, ओके। देन न्यू टर्म्स, अभी नया चीज क्या है एयर में, देयर आर थ्री थिंग्स, दैट इज इनहेलेशन, जो आई से लिखा है आई एन एच ए वाला, दैट इज इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, रेस्पिरेशन। फर्स्ट वी विल सी इनहेलेशन। इनहेलेशन क्या होता है, we breathe in air through our nose, that is inhalation. You can see this diagram. वो क्या कर रहा है, this boy, what is doing, that he is taking the air. हम सांस लेते हैं ना अंदर, तो वो process क्या है, that is inhalation. जब हम हवा को breathe in करते हैं, मतलब हमारे जो nose है उसमें से हम हवा अंदर लेते हैं, उसे हम inhalation बोलते हैं, ठीक है। एक्सेलेशन क्या होता है, जब हम अंदर से हवा बाहर छोड़ते हैं, व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम हमारे थ्रू नोज से हवा बाहर छोड़ते हैं, यस, दैट इज द एक्सेलेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या है, जब हम इनहेलेशन भी करें, मतलब ब्रीथ इन भी करें और ब्रीथ आउट भी करें, लाइक दिस, ठीक है। आप ये कंटिन्यूस करते हैं, आप गैप गैप लेके कर रहे हो, अभी मैंने आपको बताया, राइट। तो ये मेरा जस्ट आपको बताना था, जब मैं आपसे बात भी कर रही हूँ तभी भी मैं दोनों कर रही हूँ, मैं इनहेल भी कर रही हूँ एंड आई एम डूइंग इनहेल आउट, मैं दोनों कर रही हूँ, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। तो वो पूरे, वो दोनों को मिला के क्या बोलेंगे हम, रेस्पिरेशन। जब हम, मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम हमारे नोज से ब्रीथ इन करते, जब हम सांस अंदर लेते हैं उसे हम इनहेलेशन बोलेंगे,
जब हम नोज के थ्रू जो हमारी अंदर जो सांस जब हम बाहर छोड़ते हैं, जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, तो उसे हम एक्सेलेशन बोलेंगे। ठीक है, जब हम दोनों चीज एक साथ कंटिन्यूस करते जा रहे उसको हम बोलेंगे रेस्पिरेशन। जब हम इनहेल भी कर रहे, सांस अंदर ले रहे हैं और बाहर भी छोड़ रहे हैं, तो द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स दैट इज द रेस्पिरेशन। ओके, नेक्स्ट थिंग इज व्हेन अ मैन इज स्लीपिंग क्वाइटली व्हाई डू यू सी हिज चेस्ट गोइंग अप एंड डाउन। जब आप खुद को ही पकड़ लो या फिर आपके पेरेंट्स को पकड़ लो, आपके मम्मी डैडी जब आप सोते हैं, तो वो सोते समय आप उनको कभी नोटिस किया है आपने कि उनके जो चेस्ट है वो अप डाउन हो रहा है। व्हाई, ये क्यों हो रहा है? लेट्स सी। जब आप भी सोते हो तो आपका भी चेस्ट अप डाउन होता है क्योंकि आप ब्रीथ कर रहे हो। यस, ऐसा नहीं होता कि आप सो गए तो आप ब्रीथ नहीं करते, आप ब्रीथ करते ही रहते हो। वो क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, उसका रीजन क्या है उसके पीछे, लेट्स सी। We need our body to function properly. We need air for that purpose. When we breathe in, we take air into our body. Air makes us feel fresh and lively. Air is necessary for our body to get the vigor. We need to work properly. We need our body to function properly. मतलब हम लोग air क्यों अंदर लेते हैं? क्योंकि अंदर का जो function है, जो हमारे body parts है, वो अच्छे से काम करे। यस, हमारे अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है, बहुत कुछ हमारे, जब आप बड़े बड़े होते जाओगे ना, तो आपको आगे आगे जाके पता चलेगा कि हमारे बॉडी के अंदर कैसे कैसे फंक्शंस होते हैं। डाइजेशन होता है, यस, फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में फंक्शन चलते रहते, वो सब कुछ प्रॉपरली होने के लिए हम ब्रीद इन करते हैं। और आपको भी पता, अगर हमने नाक बंद करते तो हमको घुटन महसूस होती है, हमेशा लगता है कि हमें किसी बंद कमरे में बंद कर दिया हो। यस, वी नीड एयर फॉर दैट पर्पस, हमें एयर बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन वी ब्रीथ इन, वी टेक एयर इनटू आवर बॉडी, जब हम ब्रीथ इन करते सांस अंदर लेते हैं, तो वो कहाँ पे जाता है, हमारे बॉडी के अंदर जाता है। एयर मेक अस फील फ्रेश एंड लाइवली, जब आप सुबह उठते हो, जब एयर अंदर बाहर लेते हो, तो आपको कैसा फील, आपको फील फ्रेश होता है, आप मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं जी रहा हूँ। अगर आप एयर ही अंदर नहीं लोगे, आपको लगेगा कि मैं बंद कमरे में बंद हो चुका हूँ, ना ही वहाँ पे आप वैसे तो मर ही जाओगे। यस, जितना हमें वाटर इम्पोर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए, हमें जिंदा रहने के लिए, उससे उतना ही लेवल में ही एयर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एयर के बिना हम जरा भी एक दो मीन्स एक सेकेंड भी नहीं रह सकते। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, उससे एयर से हमें क्या फील होता है, दैट इज़ फ्रेश एंड लाइवली। एयर इज नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, एयर हमारे लिए जरूरत है। क्यों जरूरत है? टू गेट द विग्योर मतलब फिट, एनर्जी हम बोलते हैं ना, हमारे में ताकत है, मैं ये सब उठा सकता हूँ, मेरे में इतनी ताकत है, आप बोलते हो ना, तो उसको हम लोग का एक मीनिंगफुल बोलेंगे, तो दैट इज विग्योर। ठीक है, टू गेट द विग्योर वी नीड टू वर्क प्रॉपरली, तो हमें हमारे बॉडी में एनर्जी आने के लिए, जब एनर्जी आएगी तब आप आपका बैग उठा पाओगे, तब आप स्कूल आ पाओगे। ये जब स्कूल स्टार्ट हो जाएगा तो आपको एनर्जी चाहिए ना, घर से उतनी सारी बुक्स लेके वैन में बैठ के, या फिर आप जो वॉकिंग स्टूडेंट्स है तो उतनी एनर्जी चाहिए ना, और क्लास में बैठ के वो उतना लिखना, हाथ दर्द भी होता है ना आपका कभी कभार लिखते समय, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एयर हमारे लिए उतना हेल्प आउट करता है थ्रू आउट द जो हमारा बॉडी है उसमें वो जो काम है फंक्शन वो प्रॉपरली चले। लाइक अस ऑल अदर लिविंग थिंग ऑल्सो नीड एयर, जैसे और बाकी सब लिविंग थिंग्स है जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स, उनको भी एयर की बहुत ज़रूरत है, जितना हमारे लिए ज़रूरत है। इफ वी लुक केयरफुली वी कैन सी अ डॉग जस्ट ऑल्सो गोइंग्स अप एंड डाउन, इट टेल्स दैट एनिमल ऑल्सो ब्रीथ। आपने कभी डॉग या कैट को भी देखा होगा या फिर कोई अदर एनिमल्स को भी देखा रहेगा, वो भी ब्रीथ करते हैं, उनका भी चेस्ट अप्स एंड डाउन होता है जैसे हमारा होता है। इससे पता चलता है कि दैट ऑल द एनिमल ऑल्सो ब्रीथ, सब एनिमल्स, सब लोग ब्रीथ करते हैं, दैट एनिमल्स, बर्ड्स, एवरीथिंग दैट विच आर द लिविंग थिंग्स।
नेक्स्ट थिंग इज ओके दिस इज समथिंग डिफरेंट. तो मैं पहला पूरा वो सेंटेंस पढ़ लेती हूँ फिर आपको इन शॉर्ट में समझाती हूँ. फिश लिव इन वाटर इट मेक्स वन वंडर हाउ दे वेट अ मिनट हाउ दे गेट द एयर टू ब्रीथ बट फिश आर एबल टू यूज द एयर दैट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर. सम पीपल कीप फिश इन अ ग्लास फिश टैंक इट इज कॉल्ड एन एक्वेरियम इट इज ऑलवेज फुल ऑफ वाटर. द फिश इन द एक्वेरियम यूज द एयर डिजॉल्व्ड इन द वाटर फॉर ब्रीदिंग. As a result, the amount of air dissolved in the water can get reduced. If all the air was used up, the fish would die. Therefore, more air is continuously added to the water in the aquarium. That is why we see air bubbles rising up through the water in such fish tank. आपने fish tank देखा होगा किस किस के घर पे भी होता है. और जहाँ पे ज़्यादा फिशेस होती है उस प्लेस को हम एक्वेरियम भी बोलते हैं. जहाँ पे हर वैरायटी के फिश है यहाँ पे अपना आई थिंक सो जहाँ पे हमारा नेहरू साइंस सेंटर है जो बड़ा सा म्यूजियम है उसके कुछ आगे ही एक फिश एक्वेरियम भी है जहाँ पे बहुत सारे फिशेस है अलग अलग डिफरेंट टाइप के फिशेस है. उस फिशेस को उन्होंने क्या किया है एक वाटर टैंक में डाल दिया है तो उसे हम एक्वेरियम बोलते हैं. यहाँ पे क्या बोल लिखा है दैट फिश आल्सो ब्रीथ फिश भी ब्रीथ करते हैं एंड फिश आर एबल टू यूज द एयर दैट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर. फिश क्या करता है फिश यूज करता है एयर को बट वो डिसॉल्व हो जाता है. वो क्या जो वो किसे बताओ ओके जो उसका फिश टैंक है और जो एयर है वो मिक्सअप होता है. वाटर प्लस एयर वो एक साथ मिक्सअप होता है तो मिक्सअप को क्या बोलेंगे डिसॉल्व्ड. पानी में डिजोल्व हो चुका है तो वो जो डिजोल्व हो गया वो पानी उसके थ्रू वो एयर लेता है राइट. और जब अभी जो एक क्वांटिटी रहती है फिश को देने की तो उसके लिए हम मशीन्स लगाते हैं. ये देख रहा है आपको यहाँ पे एक मशीन हर एक टैंक के अंदर एक मशीन रहती है एक इतनी एक पाइप रहती है उसके थ्रू हम ऑक्सीजन देते हैं. वो एक ऑक्सीजन क्या होता है वो ऑक्सीजन का जो एयर होता है वो डिसॉल्व होता है वो मिक्सअप हो जाता है पानी के थ्रू जिसके थ्रू अपनी फिश ब्रीथ कर सकती है. अगर हमने वो ऑक्सीजन नहीं डाला सो फिशेस डाय मतलब मर भी सकते हैं. जब हम ऑक्सीजन जब हम हवा जब पानी के अंदर देते हैं तो क्या होता है बबल्स आते हैं. ये आपने बबल्स देखे रहेंगे हर फिश टैंक में कि एक पाइप के थ्रू बहुत सारे बबल्स हो रहे. वो बबल्स क्यों आ रहे हैं बिकॉज हम एयर दे रहे हैं हम एयर डाल रहे हैं पानी के अंदर हम दे रहे हैं yes? तो उसके थ्रू वो क्या फॉर्म क्या बन के आ रहा है एक बबल्स बन के आ रहे हैं पानी के अंदर. ऐसे ही हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं. अगर आपने एक ग्लास ऑफ वाटर क्या लिखा है यहाँ पे टेक अ ग्लास मोर देन हाफ फुल ऑफ क्लीन वाटर. एक ग्लास ले लो उसमें आधा पानी भर लो. Take small piece of a newspaper sheet, roll it to make a straw about 10 cm long. या फिर आपके पास अगर straw रहेगा तो वो भी कर सकते हो. या फिर आप एक कोई newspaper ले लो, उसको अच्छे से roll करो और उसे एक straw जैसा बना दो, ठीक है? Dip one end of the straw into the water. उसका एक half of the part. आप देख रहे हो ये लड़के ने क्या किया है, this boy ने क्या किया है? इसका जो half part था straw का उसने पानी के अंदर डाल दिया. पूरा नहीं डाली सिर्फ हाफ डाला है और हाफ उसने क्या किया है अपने मुंह के अंदर लिया है. थ्रू द अदर एंड ब्लो इट इनटू विद योर माउथ. उसमें एक्सपेरिमेंट ने क्या बोला है दैट कि आपको एक ग्लास लेना है उसमें हाफ ऑफ द पानी भरना है देन यू हैव टू टेक अ न्यूज़पेपर उसे एक स्ट्रॉ जैसा बनाना है और उसका हाफ पार्ट आपको डिप करना है मतलब डिप मतलब पानी के अंदर डालना है हाफ पार्ट और दूसरा पार्ट आपके मुंह के अंदर लेना है. जब आप करोगे तो व्हाट यू विल डू आप हवा दोगे यू विल ब्लो इट जैसे आप बलून ब्लो करते हो हवा बाहर डालते हो थ्रू योर माउथ वैसे ही आप हवा दोगे उस स्ट्रॉ के अंदर. जब आप हवा दोगे सो व्हाट यू विल सी आपको क्या देखने मिलेगा दैट बबल अराइजेस बबल्स आएंगे उसमें बुलबुले आएंगे पानी के अंदर. तो इससे क्या पता चल रहा है जब हम हवा देते हैं तो वैसे ही बुलबुले आना स्टार्ट हो जाता है और वो कैसे होता है नीचे नीचे जाते हैं बुलबुले नहीं वो ऊपर ऊपर आते हैं.
कभी भी आप घर पे भी ट्राई कर लो, आप देख सकते हो कि वो बुलबुले ऊपर ऊपर तरफ आते हैं, नीचे नहीं जाते। वो बुलबुले ऊपर आ रहे, मतलब थोड़ा थोड़ा पानी ऊपर आ रहा है, बट कौन से फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या पढ़ा है? दैट एयर इज एवरीवेयर, सब जगह पे है। हम एयर को ना ही देख सकते हैं बट हम उसे फील कर सकते हैं। एयर एयर डज नॉट हैव कलर, एयर डज नॉट हैव कलर, स्मेल और टेस्ट। एयर के पास क्या क्या नहीं है? कलर, स्मेल, टेस्ट। लिविंग थिंग नीड एयर फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मैंने बताया है, जब हम ब्रीथ इन करेंगे तो उसको इनहेलेशन बोलेंगे, जब हम सांस छोड़ते हैं बाहर उसको एक्सहेलेशन बोलेंगे। जब हम दोनों चीज कर रहे हैं, इनहेलेशन सांस अंदर ले 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 रहे हैं और सांस बाहर छोड़ रहे हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, वो दोनों चीज को क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन। जब हम वो चीज हम कंटिन्यूस भी कर रहे हैं ना, तो उसे रेस्पिरेशन बोलेंगे। तो ये सब ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर, जितने भी लिविंग थिंग है वो सब करते हैं, दैट इज रेस्पिरेशन। जैसे ह्यूमन बींग्स होंगे, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स। यस, एवरी डे वन मस्ट स्पेंड सम टाइम प्लेइंग इन एन प्ले ग्राउंड टू गेट फ्रेश एयर। आप वैसे भी जाते हो बाहर खेलने के लिए तो वहां पे आपको फ्रेश एयर मिलता है, दैट इज रिटन। ये आपका एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स। देन क्वेश्चन, देन दिस इज ट्रू ऑफ फॉल्स। हियर विल कम क्वेश्चन नंबर टू। ओके, हियर ट्रू ऑफ फॉल्स का लिखा है ना क्वेश्चन नंबर थ्री, वहां पे क्वेश्चन नंबर टू डाल दो। एंड ये आंसर द फॉलोइंग को क्वेश्चन नंबर थ्री कर दो। सो ये आपके पांच क्वेश्चन है। व्हाट डू यू फील इन टू अ बलून व्हेन यू ब्लो इट? वी फील एयर इन टू द बलून बाय ब्लोइंग इट। व्हाई डू वी नीड एयर? हाउ डज वी नो दैट अ डॉग ऑल्सो ब्रीथ? एंड फ्रॉम व्हाट डज अ कैट नीड? अ कैट नीड एयर, सॉरी। तो ये चार क्वेश्चन है, ये आपको क्या करना है? ये जो तीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, ये आपको ईवीएस की नोटबुक में लिखना है। ओके, बाय।